हाँ बेटा, आज लेक्चर नंबर 2 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, तो इसमें लेक्चर नंबर 2 में आपको पर्सन चार्ट समझाऊंगा कि ये प्रोनाउन बदले कैसे जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन चार्ट बनाए, पर्सन चार्ट। ठीक है बेटा, लाइन क्या चाहिए? ये कैसे बदले जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज सीखोगे। मेन बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन चेंज करना ही होता है। ठीक है, इस कॉलम में डालिए पर्सन, इसमें सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को बेटा नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें डालिए पजेसिव केस, पजेसिव केस और इस वाले कॉलम में लिखिए ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तीन होते हैं आपके प्रोनाउन तीन प्रकार के, इसमें फर्स्ट पर्सन, इसमें सेकंड पर्सन इसके दो कॉलम करिए, इसमें थर्ड पर्सन, यानी तीन प्रकार के पर्सन होते हैं आपके। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है बेटा, ऐसे कॉलम बना ले। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू और दाऊ आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे और किसी का नाम, जैसे नाम होते हैं राम श्याम सीता गीता, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया है ना, यानी प्रोनाउन हमारे तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और बी, सेकंड पर्सन में यू और दाऊ और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे और नाम। इसका आई का पजेसिव केस होता है माई और ऑब्जेक्टिव मी, आवर अस, योर और यू, दाऊ दाई दी ही हिज हिम सी हर हर इट का इट्स इट दे का देयर और देन। नोट करें इसे, वीडियो पॉज करके इस चार्ट को बना लें। हाँ तो बच्चों,
अब मैं आपको एक रूल समझाऊंगा, सनबट्टे 123। ये सनबट्टे 123 का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा? तो लिख लो सनबट्टे 123, सनबट्टे 123, ओके। एस का मतलब होता है यहां पर सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है। और एक, एक का मतलब है यहां पर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और दो का मतलब है यहाँ पे सेकंड पर्सन, और तीन का मतलब है थर्ड पर्सन, समझ गए? यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे हम, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क फुल स्टॉप। तो इसे चेंज करेंगे, ही सेड टू का क्या होता है टोल्ड, ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। अब आ गया आई, आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। वो चार्ट बनवाया था मैंने, उसे देखें, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, उसमें मैंने समझा दिया है लेक्चर नंबर एक में। तो आई को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ ही लिख देंगे। अगर यहाँ कोई नाम होता किसी लड़के का, ठीक है, तो यहाँ पे ही आता, किसी स्त्रीलिंग का नाम हो तो सी लिखते हैं, ठीक है बेटा। और बाक आर एस का वाक्य कायम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये आरबी कायम है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कायम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ये सारे रूल समझाऊंगा। अभी प्रोनाउन चेंज करना सीख ले, तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे ही डिड हिज वर्क, अगला एग्जांपल He said to me, comma, inverted comma, you are making a noise. Full stop, comma, close. You are making a noise. ठीक है बेटा? तो he told me that. अब यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, चार्ट में देखें, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है मी, ठीक है बेटा। जब यू को मी से चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है यहां पे, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कायम बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, आई वाज मेकिंग ए नोइज, ठीक है बेटा। इसे नोट करें कॉपी पर,
आगे लिखेंगे अगला एग्जांपल। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधा गोज टू स्कूल डेली फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो ही सेज दैट राधा, राधा कौन से पर्सन में है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज। राधा गोज टू स्कूल, इसमें हमने आरएस वाला टेंस चेंज क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि रिपोर्टिव फॉर्म काय में है, प्रेजेंट टेंस में। कल मैंने रूल नंबर एक समझाया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, ये रूल याद करते जाए। अगला एग्जांपल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे हैव डन देयर वर्क फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो ही सेड, यहां पर सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा इंटरेट कॉमा हटाकर देट लगाते हैं और दे कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, दे ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब ये बात काय में प्रेजेंट परफेक्ट में, काय में चेंज करना है आपको पास्ट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है। तो दे हैड डन देयर वर्क फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू राइट ए लेटर फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। इस एग्जांपल को देखिए, ही सेड उसने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। ठीक है बेटा, आप रूल में लिखा है कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, परंतु इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या करते हैं? तो याद रखें, अगर यह सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो यह ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मानते हैं। जैसे ही टोल्ड मी, इसे मान लिया है हमने थर्ड फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट दैट। अब यू को चेंज कर लेंगे मी से, तो आई, ठीक है बेटा, रोट ए लेटर फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल, ही सेड, अब यहां कर दे आई सेड हो, आई सेड कॉमा इटेड कॉमा यू सिंग ए स्वीट सॉन्ग फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। इसमें देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट काय का है? फर्स्ट पर्सन का, तो ऑब्जेक्ट काय का मानेंगे? थर्ड पर्सन का। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम मान लीजिए, दैट यू को चेंज करेंगे इस हिम से तो क्या होगा? ही, और इसे चेंज करेंगे पास्ट इंटरफेट में तो सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है बेटा, ये पर्सन चेंज करना सीखे, इसे नोट करें। हाँ बेटा, तो कल मैंने आपको रूल नंबर एक समझाया था, आज मैं आपको समझाऊंगा रूल नंबर दो। तो लिखें रूल नंबर दो, यदि आरवी पास्ट टेंस में हो, यदि आरवी पास्ट टेंस में हो
तथा आरएस प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे निम्न प्रकार बदलते हैं। ठीक है बेटा, नंबर ए पॉइंट डालने इसमें आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का टोल्ड करोगे और केवल सेड है तो सेड का सेड ही रहना सेम। नंबर बी पॉइंट में इन्वर्टेड कॉमा यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट लगाए, दैट लगाते हैं। ठीक है बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाओगे। इसमें डालें नंबर फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा आरएस प्रेजेंट टेंस में है तो उसे निम्न प्रकार बदलते हैं। ठीक है, आरबी सेड टू को टोल्ड में और केवल सेड है तो सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट लगाओगे। फर्स्ट रूल में लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है, जैसे एग्जांपल है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट एन एसे फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ठीक है बेटा, तो सेड टू तो ही टोल्ड मी दैट आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करते हैं वॉइस अनवर्ट 123 सब्जेक्ट से तो ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है ही रोट एन एसे बेटा। नंबर सेकंड डालिए, नंबर सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर मेकिंग ए नॉइज फुल स्टॉप कॉमा क्लोज तो ही सेड ही रहेगा, दैट दे कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज तो दे वर मेकिंग ए नॉइज़,
ठीक है। नंबर तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को काहे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रामू हैज गॉन टू स्कूल टुडे स्टॉप कॉमा क्लोज। तो बेटा ही टोल्ड देम दैट रामू, प्रेजेंट परफेक्ट को कहां बदलना है? पास्ट परफेक्ट में। तो हैड गॉन टू स्कूल और टुडे का होता है दैट डे, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। नोट करें ये। अगला लिखाऊंगा रूल नंबर चार, नहीं नंबर चार, रूल नंबर नहीं, रूल नंबर तो दो में ही चल रहा है, ठीक है। नंबर चार है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे राधा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस मॉर्निंग। राधा सेड दैट, आई कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। कहाँ से चेंज करेंगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो क्या लिखेंगे यहां? सी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा? हैड बीन, हैड बीन वॉचिंग द टीवी सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, ये आपका रूल नंबर दो पूरा हो गया। इसे समझे, ठीक है, और एक्सरसाइज बनाए और पर्सन चार्ट को ढंग से याद कर ले प्रोनाउन चेंज करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।